अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरे शहर में जिस तरह से एक माहौल गरमाया जा रहा है, नफरत तशद्दुद का माहौल यहां गरमाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक MLA जनाब फिरोज़ सेठ साहब। सेठ साहब, जिस तरह से बेलगाम शहर का माहौल एक तरह से आलूदा करने की कोशिश की जा रही है, वैसे तो पूरे मुल्की सतह पर इस तरह का माहौल है, बेरोज़गारी और महंगाई तो मामला है ही नहीं, लोगों की नज़र में सिर्फ मज़हब हिंदू मुस्लिम ही देखा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो AC साहब को आकर मुलाकात किए हैं, जैसा शाही मस्जिद का मामला पेश आया है और MLA साहब जो दक्षिण के हैं उन्होंने आज फिर जो है वो कमिश्नर से मुलाकात करके उन्होंने बात की, इस पर आपने की? देखो, एक तो बात यह है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जो हमारे MLA साहब करके गए, कल भी किए आज भी किए। अगर मामला अगर देखेंगे तो 1.25 घंटे की ज़मीन है। कितनी? 1.25 घंटा ज़मीन है और 100 साल से नमाज अदा हो रही है उधर। अब बैठे बैठे क्या मालूम नहीं क्यों ये बात निकली, मगर ये हिंदुस्तान भर का जो पैटर्न चला है, हिंदुस्तान भर में पैटर्न चला है, कभी हैदराबाद में चार मीनार की बात होती है तो कभी कुतुब मीनार की बात होती है, तो कभी ताजमहल की बात होती है, तो कभी श्रीरंगापट्टनम के समर पैलेस की बात होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें कुछ सरप्राइज होता है, शॉक होता है, ऐसी कुछ नहीं है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि लोगों के बीच में दरार आए, कुछ जगहों में कामयाब हो चुके हैं वो, कुछ जगहों में कोशिश जोर में चली है। बेलगाम जैसे शहर में बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लोग बचपन से एक दूसरे को यहाँ जानते हैं। तो हमने वही कहा जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने परसों उलमा जमायत उलमा हिंद के मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, क्योंकि हमारा ईमान ये सिखाता है कि सबसे बढ़ के वतन है, वतन की तरक्की, वतन की शांति। और अगर हम इनके हर बात ये जो चाहते हैं, इनका जो एजेंडा है कि दूसरे लोग सामने से गुस्से में आए और फिर तनाव ज़्यादा हो, ये हम उनको सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। कहाँ रुकेगा सर ये? हम ठीक है, मान लिए कि किसी मामले को हम जो है रिएक्शन नहीं करेंगे। ये बात सुनिए, ये जो हम जो आपसे बात कर रहे हैं यही रिएक्शन है। आप क्या लगा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमान मेरी बात सुन रहे हैं? बेलगाम शहर के 90% जो हिंदू भाई हैं हमारे, ये भी यही चाहते हैं कि शांतता अमन रहे, पिछली बातों को हमको निकाल करके उकसा करके, वो भी खुद आके लड़ने वाले नहीं हैं, वो भी यही कह रहे हैं। हमने काफ़ी लोगों से बात की कि हम इसके आगे जो भी नफरत की बात करेगा हम उससे मोहब्बत की ही बात करेंगे। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम्स ओनली, इतना आप समझ लीजिए। आज जो आपकी बात जा रही है ये सभी कौम को जा रही है, और सब बेलगाम शहर के यही चाहते हैं कि भाई 2 साल से मुश्किल से पूरा हिंदुस्तान कोविड से अब थोड़ा बाहर आ रहा है, लोगों पे कर्ज चढ़ गए हैं, लोगों के सेहत और साइड इफ़ेक्ट्स और लोगों के घर के जो बड़े निकल गए गुजर गए हैं, बड़ी परेशानी है हिंदुस्तान भर, उसमें इंटरनेशनल मैटर्स का इफेक्ट का भी, जो इन्फ्लेशन का है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अब शायद कुछ लोगों को लगता है कि हम ये बातें करने से मेन इशू से हम डाइवर्ट करेंगे, पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा होंगे, इशू तो रहने वाला ही है। और यकीन मानिए कि अगला इलेक्शन का इशू मंदिर मस्जिद पे नहीं होगा, काम पे ही होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है, सलाह भी है सबसे कि जो कोशिश कर रहे हैं या ऐसे इश्यूज उठाने की, कि आप काम पे लग जाइए, काम कीजिए, आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको अच्छा सर पे बिठा करके दोबारा तीसरी बार चौथी बार वापस सत्ता में ज़रूर। जैसा अभी आपने ज्ञान में अपनी मस्जिद के बारे में बता रहे थे सर, कोई 5 औरतें आती हैं पटिशन दाखिल करती है, अदालत इसको कबूल क्यों करती है? अदालत में जाने का हर किसी का हक है, अदालत का फैसला और वकीलों की दलील इसके ऊपर डिपेंड करता है, आप और हम बात करने से वो दैट कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट। आपने देखा कि कुतुब मीनार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उठा के बाहर फेंक दिया है, तो ये वी विल नॉट बी वरीड। हमें पूरा जुडिशरी पे हिंदुस्तान के यकीन है, पूरा सिविल सर्विसेज पे और ऑफिसर्स जो है उन पे भी यकीन है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे सियासत में ऐसी बातें लेके जाए जहाँ सामने वाला उकसाए, पोलराइज करे, हिंदू को वोट करे, मुसलमान अलग हो जाए, रास्ते पे आए, नहीं, दिस विल नॉट वर्क। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हम नफरत का जवाब मोहब्बत से ही देंगे। दक्षिण के MLA उकसाई है हमको,
हम उगसने वाले सर नहीं। दक्षिण का MLA नॉर्थ में आकर ये बार बार इस तरह की हरकतें पेश कर रहा है तो क्या है? वो उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। उनकी मर्जी, वो हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ शायद हो सकता है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है सब्जेक्ट उनको मिला जो है, यहाँ आसानी से, यहाँ थोड़ा आसानी से आके, यहाँ के MLA साहब थोड़े शांत है ऐसा लगता है। उन्होंने परमिशन दिया होगा, भाई मैं नहीं बात करता, आप बात करो, हम नहीं जानते क्या वजह है। या तो कोई उनको गलत, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया हो सकता है। कार्यकर्ता बोलते हैं कभी कभी MLA को, भाई साहब ऐसा है, देखो वो मंदिर है, वो मस्जिद है, हो सकता है बेचारे नादानी में भी कर रहे हैं। सर, इस फार्मूला में कामयाब भी तो हो रहे हैं, वो जीत भी रहे हैं इलेक्शन। जो दिन आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोया, वो दिन समझना कि हम सब जीते हैं। उसके बीच में कोई जीता है हारता है उसमें कोई मतलब नहीं है। जब तक हिंदुस्तान का एक भी फर्ज भूखा सोता है रात को, तभी तक कोई भी सरकार हो वो फेलियर है, ये हमारा मानना है। और झगड़े लगाने से कभी कोई कामयाब नहीं होता, और होगा भी नहीं, टेम्प्ररी होगा, लॉन्ग टर्म में फिर ख़त्म ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया।